हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन कार गुरुजी। तो ये है टोयोटा ग्लांजा का जी बेस वेरिएंट एंड इसमें काफ़ी सारी एसेसरीज भी इंस्टॉल करी गई है, जो आपको वी वेरिएंट में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है, वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करा गया है, वो भी बाय टोयोटा शोरूम एंड। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी की मिल जाती है, एक यहाँ पे स्मार्ट की ऑफर करी गई है, दो स्विचेस के साथ लॉक एंड अनलॉक का यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है। तो स्ट्रेट अप फ्रंट यहाँ पे अवेलेबल है एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद एलईडी लाइन गाइड, हेलोजन टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हेलोजन फॉग लैम्प ब्लैक हाउसिंग के साथ, एंड टू स्लैट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं क्रोम फ्रंट ग्रिल, ये है लोअर बम्पर एयर इंटेक्स के साथ। यहाँ पे अवेलेबल है टोटल 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स तक की वारंटी। और आपको ग्लांजा में बेसिकली दो वेरियंट मिल जाते हैं, जो है जी एंड वी वेरियंट, एंड ये जी वेरियंट अवेलेबल है 1.2 लीटर पेट्रोल विद मैनुअल एंड सीवीटी ऑटोमेटिक, साथ में यहाँ पे आपको 1.2 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड इंजन भी ऑफर करा गया विद मैनुअल ऑप्शन। यहाँ पे एसेसरी आपको दी गई है बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्शन एंड क्रोम फिनिश में आपको मिल जाती है दोनों ही साइड, दो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वाइपर वॉशर्स, एंड यहाँ पे काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन आपको मिल जाता है अलॉय व्हील्स का, 16 इंच के दिए गए हैं। यहाँ पे अपोलो टायर्स और यहाँ पे इनका साइज मेंशन है, जो है 195x55R16। फ्रंट में आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक, रियर में दी गई है ड्रम ब्रेक्स, ए बी एन सी पिलर आपको मिल जाता है ब्लैक्ड आउट, साथ में यहाँ पे सन वाइजर इंस्टॉल करे गए हैं विद क्रोम फिनिश, एंड यहाँ पे लोअर विंडो बेल्ट लाइन में भी आपको मिल जाती है क्रोम फिनिश, साथ में क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल्स, ड्राइवर साइड डोर हैंडल पे कैपेसिटिव सेंसर, क्रोम फिनिश में आपको मिल जाती है यहाँ पे साइड बॉडी मोल्डिंग, और यहाँ पे अवेलेबल है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज फोल्डेबल ओवर वीएम विद ऑटो फोल्डेबल फंक्शन, टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाता है, और यहाँ पे बलेनो बिल्ट अप है हार्टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और यहाँ पे इसकी साइड प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अवेलेबल है टोटल 5 कलर ऑप्शन, जो है गेमिंग ग्रे, एंटाइसिंग सिल्वर, इंस्टा ब्लू, साथ में स्पोर्टिन रेड, एंड जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है बेसिकली कैफे वाइट कलर। और अगर बात करें यहाँ पे डायमेंशन की, तो ग्लांजा की लेंथ आपको मिल जाती है 3995 mm, विड्थ है यहाँ पे 1745 mm, हाइट आपको मिल जाती है ग्लांजा एंड बलेनो की 1510 mm, व्हील बेस दिया गया 2520 mm का, साथ में आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है 37 लीटर्स, टर्निंग सर्कल यहाँ पे दिया गया 4.9 मीटर्स का, और बूट स्पेस भी यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया दिया गया, वो भी 339 लीटर्स का। साथ में यहाँ पे रियर क्वार्टर ग्लास। इस वेरिएंट को अगर आप मैनुअल में बाय करें तो उसका कर वेट है 890 kg, सीवीटी ऑटोमेटिक में है 935 kg, और अगर आप यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल मैनुअल में लें तो उसका आपको कर वेट यहाँ पे मिल जाता है 910 kg, और यहाँ पे आपको मैनुअल में ग्रॉस व्हीकल वेट मिल जाता है 1340 kg, सीवीटी में ग्रॉस व्हीकल वेट एंड स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल मैनुअल में आपको ग्रॉस व्हीकल वेट मिल जाता है 1360 kg का। साथ में इसकी आपको एवरेज मंथली सेल मिल जाती है 2500 यूनिट्स टू 2800 यूनिट्स पर मंथ। और यहाँ पे आपको मिल जाता है माइक्रो रूफ एंटीना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर, यहाँ पे क्रोम फिनिश, एंड यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग, जी मॉडल की बैजिंग एंड ग्लांजा की बैजिंग, एंड यह एलईडी रियर कॉम्बिनेशन लैम्प। यहाँ पे अगेन एसेसरी आपको मिल जाती है क्रोम की, एंड यहाँ पे क्रोम बम्पर प्रोटेक्टर दोनों ही साइड ऑफर करा गया है, रियर बम्पर आपको मिल जाता है बॉडी गार्ड, एंड फोर आपको मिल जाते हैं पार्किंग सेंसर्स, दोनों साइड रिफ्लेक्टर्स ऑफर करे गए हैं, लाइसेंस प्लेट की लाइट हेलोजन में, और यहाँ पे दिया गया रिवर्स पार्किंग कैमरा, जो कि बेसिकली यहाँ पे शोरूम एंड पे इंस्टॉल्ड है, एंड काफ़ी बढ़िया क्लैरिटी भी ऑफर करते हैं, जो हम अभी आपको शो करने वाले हैं। सिंगल यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे रियर पार्सल ट्रे, एंड यहाँ पे अवेलेबल है टोटल 339 लीटर्स का बूट स्पेस। यहाँ पे आपको मिल जाता है 60-40 स्प्लिट सीट फंक्शन, कुछ स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज स्पेस, एक आपको लगेज लैम्प मिल जाता है, मैनुअली टर्न ऑन ऑफ कर सकते हैं लगेज हुक, एंड यहाँ पे मैट्स भी इंस्टॉल्ड है काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के। इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पेयर टायर।
बात करें इस फ्रेंड की सेफ्टी फीचर्स के बारे में, अपार्ट फ्रॉम एसेसरीज जो कि यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, तो यहाँ पे अवेलेबल है 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट, फ्रंट फॉग लैम्प, रियर वाइपर वॉशर एज वेल एज डिफॉगर, साथ में ऑटो डिमिंग IRVM, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, साथ में रियर पार्किंग सेंसर, और यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड पावर विंडो मिल जाती है विद एंटी पिंच फंक्शन, मैनुअल आपको मिल जाता है यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर, साथ में फ्रंट सीट बेल्ट विथ डिटेंशनर एज वेल एज फोर्स लिमिटर, और स्पीड सेंसिटिव ऑटोमेटिक डोर लॉक, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, फ्रंट सीट बेल्ट्स की इवन यहाँ पे आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, और काफ़ी सारे यहाँ पे आपको वार्निंग्स एंड रिमाइंडर्स मिल जाते हैं, जैसे लो फ्यूल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, हेडलैम्प ऑन वार्निंग, की लेफ्ट एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर वार्निंग। इन सब को आप यहाँ पे कन्फिगर कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम से। तो ग्लांजा का ये जी वेरिएंट आपको बेस मिलता है बलेनो के जेटा वेरिएंट पे, बलेनो का जेटा वेरिएंट आपको मिल जाता है सेकंड टॉप वेरिएंट बलेनो का। और ग्लांजा में बेसिकली यहाँ पे दो इंजन अवेलेबल है, सेम एज बलेनो जो है 1.2 लीटर नॉन स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल, और साथ में 1.2 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल। तो इससे पहले बात करें इंजन स्पेसिफिकेशन की, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं हर एक एसेसरी का प्राइस। यहाँ पे मल्टीपल एसेसरीज इंस्टॉल्ड है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर में, टोटल आप प्राइस चेक कर सकते हैं यहाँ पे स्पेशल प्राइस। अब हम बात करेंगे इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ से ओपन होगा बोनेट। एंड यहाँ पे काफ़ी बढ़िया साउंड एंडिंग मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हैं, ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा साइलेंट आपको इंजन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पार्शियल अंडरबॉडी इंजन किट। तो फर्स्ट इंजन यहाँ पे दिया गया 1.2 लीटर K12M पेट्रोल इंजन, पावर 82 BHP, 113 Nm का टॉर्क। ये आपको नॉन स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जिसकी क्लेम्ड आपको मैनुअल में माइलेज दी गई 21.01 KMPL, ऑटोमेटिक CVT में दी गई 19.56 BS6 में क्लेम माइलेज। इसके साथ ही यहाँ पे अवेलेबल है 1.2 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड K12C डुअल जेट पेट्रोल इंजन, इसमें आपको पावर थोड़ी एक्स्ट्रा मिलती है जो है 89 BHP, और टॉर्क आपको सेम ही मिलता है 113 Nm का। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक नहीं दिया गया, सिर्फ आपको मिल जाता है मैनुअल गियर बॉक्स, एंड क्लेम माइलेज आपको काफ़ी बढ़िया दी गई यहाँ पे 23.87 KMPL की। एंड सिटी में इंजन स्मार्ट हाइब्रिड डिलीवर करेगा अराउंड 17-18 KMPL, हाईवेज में इसकी माइलेज रहेगी अराउंड 24-25 KMPL। अब यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं इंटीरियर फीचर्स। तो यहाँ पे ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड डोर हैंडल पे आपको मिल जाता है कैपेसिटिव सेंसर, स्मार्ट कीलेस एंट्री ऑफर करी गई है। तो यहाँ पे आपको डोर ओपन वार्निंग मिल रही है, MID स्क्रीन में कौन सा पर्टिकुलर डोर ओपन है। यहाँ पे पावर डोर लॉक स्विच एंड ब्लू यहाँ पे आपको फैब्रिक पैड मिल जाता है डोर पे। पुश बटन स्टार्ट आपको मिल जाता है विद क्रोम सराउंड्स। एंड यहाँ पे कुछ ऐसी आपको स्मार्ट की दी गई है दो स्विचेस के साथ, लॉक एंड अनलॉक का स्विच। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ORVM कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज फोल्डेबल ORVM। और यहाँ पे सिल्वर एसेंट्स दिए गए हैं AC वेंट पे। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं पावर विंडो कंट्रोल्स, तो ड्राइवर साइड पावर विंडो आपको ऑटो दी गई है, तो इसमें ऑटो डाउन दिया गया है एंड ऑटो अप भी मिल जाता है विद एंटी पिंच फंक्शन। साथ में यहाँ पे भी आपको ब्लू फैब्रिक पैड, सिल्वर एसेंट्स, बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट, यहाँ पे 4 स्पीकर्स दिए गए हैं और यहाँ पे ट्विटर। साथ में यहाँ पे आपको डोर लैम्प भी मिल जाता है। और जब आप ग्लांजा को ड्राइव करेंगे तो कुछ आपको ऐसा व्यू मिलेगा, बोनेट यहाँ पे विजिबल नहीं रहता। साथ में ड्राइवर साइड सन वाइजर पे एक टिकट होल्डर, यहाँ पे दिया गया ऑटो डिमिंग IRVM, फ्रंट में दो हेलोजन लाइट्स, और यहाँ पे आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर। साथ में यहाँ पे कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल, और ये है फ्रंट आर्मरेस्ट। काफ़ी डीप स्टोरेज स्पेस दिया गया यहाँ पे, पार्किंग लेवर टिप क्रोम फिनिश में, यहाँ पे कुछ और स्टोरेज स्पेस, साथ में ब्लैक कलर की कारपेटिंग, यहाँ पे क्लच फुटरेस्ट, और यह फ्रंट सीट्स चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सीट कवर इंस्टॉल करे गए हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड मैट्स भी इंस्टॉल्ड हैं। और यह 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स पियानो ब्लैक एंड क्रोम एसेंट्स के साथ। तो यह रिवर्स पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले, गाइडलाइंस भी आपको मिल जाती है, काफ़ी तो ब्राइट डिस्प्ले दिया गया ओवरऑल। यहाँ पे ट्विन कप होल्डर स्पेस, यहाँ पे कुछ और स्टोरेज स्पेस, राइट साइड एक ऑक्स और यूएसबी पोर्ट, एंड 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया है। और यहाँ पे आप डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखेंगे तो आपको वाटरफॉल लाइक डिज़ाइन मिल जाता है। यहाँ पे दिया गया ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, तो यहाँ से आप ऑटो मोड पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं, और यहाँ से फ्लो को आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से एसी को टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, एंड यहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। तो 18 आपको मिल जाता है यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट दिया गया 32 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे वार्निंग ट्रायंगल, और यह 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसमें भी यहाँ पे आपको सराउंड्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है। तो यहाँ पे आप इनको ऐसे कुछ अरेंज भी कर सकते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव दिया गया ओवरऑल सिस्टम। यहाँ पे कुछ व्हीकल अलर्ट्स की सेटिंग, एंड यहाँ पे माइलेज, साथ में माइलेज की हिस्ट्री, एंड यहाँ पे अप टू 5 डिवाइसेस को पेयर कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे कुछ इस तरह यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाती है सिस्टम की सेटिंग, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले की आप ब्राइटनेस इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, मोड भी आप डे टू नाइट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑडियो सेटिंग, एंड यहाँ पे स्मार्टफोन लिंक किए जाने के एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले। और यहाँ पे जो हेड यूनिट है उसका भी आप नेम चेंज कर सकते हैं, फोन रिंगटोन, मैसेजेस। और यहाँ पे काफ़ी सारे व्हीकल अलर्ट्स दिए गए हैं जिसको आप इनेबल एंड डिसेबल यहाँ पे कर सकते हैं। एंड लॉक कर सकते हैं कीपैड व्हाइल ड्राइविंग द कार। और यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल्स के थ्रू आपको स्क्रॉल करना है नहीं, वो भी आप इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग द पिन, आप प्रोटेक्शन इनेबल एंड डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम की बेसिक इन्फॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, एंड ऐसे फैक्ट्री रीसेट यानी कि कंप्लीट आप रीसेट कर सकते हैं सेटिंग्स को। तो ये है ग्लव बॉक्स, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पे भी साइज दिया गया आपको ग्लव बॉक्स का, साथ में यहाँ पे आपको मिल जाती है इल्यूमिनेशन। साथ में आप चेक कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील के लुक, क्रोम आपको यहाँ पे भी फिनिश मिल जाती है। और अगर यहाँ पे चेक करें हम एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे अवेलेबल है टिल्ट एडजस्टमेंट और टेलीस्कोपिक दोनों ही। और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, ये है बेसिकली इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स। और यहाँ पे कॉलिंग एंड वॉइस कमांड कंट्रोल्स, साथ में यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स, और यहाँ पे दिए गए हेडलैम्प एंड फॉग लैम्प कंट्रोल्स। तो ये है सुपर प्रीमियम एंड स्पोर्टी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड यहाँ पे आपको ब्लू बैकलाइट इल्यूमिनेशन मिल जाते हैं दोनों ही मीटर्स पे, साथ में TFT MID स्क्रीन आपको सेंटर में मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर भी शो कर रही है, डिजिटल क्लॉक, साथ में एवरेज एंड इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन रेंज यानी कि डिस्टेंस टू MT और डुअल ट्रिप मीटर। एंड यहाँ पे ड्राइविंग टाइम यानी कि इंजन रनिंग टाइम। एंड यहाँ पे पावर एंड टॉर्क फिगर्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप फ्रंट सीट से हम चेक करेंगे रियर सीट के फीचर्स, साथ में यहाँ पे ऊपर भी देखें तो यहाँ पे भी आपको एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। और यहाँ पे सेंटर में दिए गए हैं 3D डिमिंग हेलोजन कैबिन लैम्प। और अब रियर सीट की लुक भी चेक कर सकते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। अब हम रियर सीट्स चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कौन कौन से कंट्रोल आपको इल्यूमिनेटेड मिलते हैं, तो यहाँ पे मैनुअल हेडलैम्प लेवलर आपको दिया गया इल्यूमिनेटेड। एंड यहाँ पे ड्राइवर कंट्रोल भी आपको मिलता है विद बैकलाइट इल्यूमिनेशन, बेसिकली एम्बर कलर की बैकलाइट इल्यूमिनेशन दी गई है। पुश बटन स्टार्ट में भी आपको मिल जाती है बैकलाइट इल्यूमिनेशन। अब चेक करेंगे रियर सीट के फीचर्स,
तो यहाँ पे आपको मिल जाता है डोर पे लैम्प, और ये आप चेक कर सकते हैं रियर डोर का व्यू। यहाँ पे भी फैब्रिक पैड दिया गया ब्लू फिनिश में, पावर विंडो, सिल्वर सराउंड्स, एंड यहाँ पे स्पीकर, बॉटल होल्डर स्पेस। एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है सीट बैक पॉकेट, वहाँ पे भी दी गई है सिंस यहाँ पे सीट कवर्स इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और कुछ और, काफ़ी बढ़िया स्टोरेज स्पेस। और फ्रंट सीट बेल्ट की आप यहाँ पे हाइट भी इवन एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, थिएटर डिमिंग कैबिन लैम्प, एंड वहाँ पे आपको मिल जाता है एक और ग्रैब हैंडल, एंड रियर सीट्स में यहाँ पे दिए गए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, साथ में स्मॉल सा क्वार्टर ग्लास। एंड रियर सीट्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल है 60-40 स्प्लिट सीट फंक्शन। एंड यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हैं, एक्सेलेंट यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दिया गया है। और ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे फ्रंट प्रीमियम डैशबोर्ड का व्यू। तो आप ग्लांजा कौन सा वेरिएंट लेने का प्लान करें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में।